नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। मोदक गणपति बप्पा के फेवरेट हैं और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिना घी मावा और मिल्क पाउडर के लौकी कोकोनट मोदक की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की लौकी को कद्दूकस करके लिया है और अगर आप इसका वजन करेंगे तो ये टोटल 390 ग्राम है। अब कढ़ाई में हम ये पूरी कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और लौकी को 3 से 4 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि जो लौकी है ना वो थोड़ी सी पक जाएगी और जो लौकी में पानी होता है ना वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो लौकी है वो थोड़ी सी पक गई है और इसका पानी भी लगभग ख़त्म हो चुका है। ये मैंने मलाई ली है 1/3 कप। ये पूरी मलाई हम इसमें डाल देंगे और ये है 3/4 कप चीनी, इसको भी डाल देंगे इसमें। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मलाई में खुद का घी होता है इसलिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि मलाई सफिशिएंट है और घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और लौकी को मलाई और चीनी के साथ पकाएंगे और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये मलाई और चीनी डालने के बाद जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना इसमें, ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। चीनी जब मेल्ट होती है तो उससे भी पानी छूटता है, तो जब तक ये पूरा पानी सूख ना जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अभी आप देख सकते हैं कि जो पानी था इसमें वो काफ़ी कम रह गया है, तो अभी हम इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। मिक्स कर देंगे इलायची पाउडर को इसमें और जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसमें उसके सूखने तक लौकी को पका लेते हैं। अभी देखिए जो इसमें पानी था वो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, तो इस टाइम पर ये 4 से 5 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर लिया है मैंने, ये डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी आपको इसमें कलर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें नारियल का बुरादा मिलाएंगे ना तो ये कलर बैलेंस हो जाएगा और बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर आएगा मोदक का। तो ये देखिए इसमें जो भी मॉइस्चर था, जितना भी पानी था, वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो अभी हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये जो हमारा मिक्सर तैयार हुआ है ना इसको हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है। अभी ये जो हमारा मिक्सर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो ये मैंने काजू और बादाम लिए हैं बारीक काट कर, इनको इसमें डाल देंगे। और ये लिया है 1.5 कप नारियल का बुरादा, ये भी इसमें डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद स्वीटनेस और कलर दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब मोदक बनाने के लिए हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गया है और जो कलर है वो भी बिल्कुल बैलेंस हो गया है, और अब ये जो कलर हमें दिख रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए ये जो मिक्सर है ये इजीली बाइंड हो रहा है, तो इससे मोदक भी आसानी से बन जाएंगे। और इसी सेम मिक्सर से आप लड्डू, पेड़ा, बर्फी कुछ भी बना करके तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है, इससे हम ये मोदक के सांचे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं जिससे कि मिक्सर इसमें चिपकेगा नहीं। तो अब सांचे को ग्रीस करने के बाद इस तरह से बंद कर लेंगे और ये जो मिक्सर है ना वो थोड़ा सा अब लेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए इससे थोड़ा सा लंबा और पतला रोल जैसा बना लेंगे और अब इसको सांचे में अच्छे से प्रेस करते हुए भरेंगे जिससे कि मोदक का एकदम परफेक्ट शेप आए। मिक्सर सांचे में अच्छे से भर गया है, तो इसको अब हम पहले अच्छे से प्रेस करेंगे और अब हम इसको खोलेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर सा मोदक बना है। इसको आराम से हम इसमें से निकाल लेंगे और देखिए कितना बढ़िया मोदक बना है ना, कितना प्यारा, कितना सुंदर सा। तो अभी क्या करेंगे कि ये मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है, इसमें हम मोदक को बस थोड़ा सा ऊपर से डिप कर देंगे। तो देखिए मोदक और भी ज़्यादा सुंदर और क्यूट लगने लगा है। तो इसी तरीके से हमें सारे मोदक बना करके तैयार करने हैं। गणपति बप्पा को भोग लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मोदक बनकर के तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से घर पर गणपति बप्पा के लिए मोदक बना करके तैयार कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।